नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम दुख और विषाद के घेरे से घिर जाते हैं। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता, हम क्या करें, किसके पास जाएं, कुछ समझ नहीं आता। हमारे पास उस परिस्थिति को देखने, उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों एक कविता है जिसे आप सुन सकते हैं, जो आपको प्रेरणा से भर सकती है, जो उस अंधकारमय स्थिति से आपको निकलने में मदद कर सकती है। आइए आज मैं ऐसी ही एक स्वरचित कविता आप सभी के समक्ष रखता हूं। रे बंदे तू बस हार मत, रे बंदे तू बस हार मत, इस दुख को स्वीकार मत, इस दुख को स्वीकार मत। जो हुआ सब अच्छा हुआ है, जो हुआ सब अच्छा हुआ है, समझ इसे बेकार मत, समझ इसे बेकार मत। रे बंदे तू बस हार मत, रे बंदे तू बस हार मत। दुख आएंगे जाएंगे, दुख आएंगे जाएंगे, हाँ ये जरा तुम्हें सताएंगे। दुख आएंगे जाएंगे, हाँ ये जरा तुम्हें सताएंगे। मिटेगी नहीं लेकिन तुम्हारी हस्ती, मिटेगी नहीं लेकिन तुम्हारी हस्ती, कठिनाइयों से लड़कर ही, कठिनाइयों से लड़कर ही बढ़ती है जिंदगी की कश्ती। कठिनाइयों से लड़कर ही बढ़ती है जिंदगी की कश्ती। रे बंदे तू बस हार मत, रे बंदे तू बस हार मत, इस दुख को स्वीकार मत, इस दुख को स्वीकार मत। रे बंदे तू बस हार मत। जो हो रहा है होने दे, जो हो रहा है होने दे, पर धैर्य अपना न खोने दे। जो हो रहा है होने दे, पर धैर्य अपना न खोने दे। इस जीवन रण में विजय तुम्हारी ही होगी, इस जीवन रण में विजय तुम्हारी ही होगी। हे वीर अंततः जय तुम्हारी ही होगी, हे वीर अंततः जय तुम्हारी ही होगी, हे वीर अंततः जय तुम्हारी ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी। आगे भी सुनते रहें, औरों को भी सुनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।